प्रारंभ के लिए कार्डबोर्ड सबसे अच्छा मटेरियल हो सकता है। वाह, यहाँ कितना अच्छा है। ओप्स, और बहुत खतरनाक भी। हम पहुँच गए लिली। होटल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत है लेडीज, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सबसे अच्छा कमरा दूंगी। जरा इसे देखो, ये तो एक पूरा सूट है। इसमें सब कुछ है। ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। जेन, हमारे पैसे कहाँ हैं? ये सही नहीं है लेडीज, तुम्हारे पास सूट के लिए पूरे पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा कमरा दे दूंगी। चलो, यहाँ कितना कम्फर्टेबल लग रहा है। इसके बारे में सोचना भी मत, तुम इसे भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारा कमरा छत के नीचे है। क्या हम वहाँ पहुँच गए? चलते रहो लेडीज। लगभग पहुँच ही गए। ये रहा तुम्हारा कमरा, इसे अपना ही घर समझो। और मैं इसे ले लेती हूँ। ये कमरा कोई सूट नहीं है। हम यहाँ कैसे रहेंगे जेन? कोई बेड नहीं, कोई टेबल नहीं। चारों ओर देखो, ये कार्डबोर्ड से भरा हुआ है। और सबसे पहले चलो थोड़ी जगह खाली करें। ठीक है, हमें बहुत काम करना होगा। एटिक को कार्डबोर्ड से भरने में देर नहीं लगेगी। शीट्स और बॉक्सेस हम सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्माना मत, यहाँ तो बहुत जगह है। अब ये कमरा एक खाली कैनवस की तरह है। जरा सोचो लिली, हम कितने अलग अलग तरह के डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हमें एक किचन चाहिए, और लिली इसे बनाना जानती है। ये अभी तक खाली लग रही है, लेकिन किचन के कुछ बर्तन सब कुछ ठीक कर देंगे। ये यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। चाकू को तेज करना ना भूले। टेबल के बारे में क्या? हमें एक तो चाहिए ही होगा। आहा। और हम इसे कंफर्टेबल बनाने के लिए छत पर लाइट लगा देंगे। बढ़िया, चलो थोड़ी हरियाली लगाते हैं। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी, फूलों को पानी की जरूरत होती है। और ये रंगीन रंग लिविंग रूम में बहुत अच्छा लगेगा। ओह, क्या दिन है। काश मैं थोड़ी देर सो सकती। उठो लिली, बेड बनाने के बाद हम आराम करेंगे। ये रहे टूल्स, चलो चले। यहाँ काटो, वहाँ सो करो और बोर्ड्स को टाइट करो। बस हो गया, हमारा कार्डबोर्ड बेड तैयार है। हमने बहुत अच्छा काम किया है लिली। काश हमारे पास एक कंबल और एक पिलो होता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास कुछ कार्डबोर्ड है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। और आपके पास कभी भी डेकोरेशंस की कमी नहीं होगी। इन प्यारे पर्दों के बारे में क्या ख्याल है? और कार्डबोर्ड के गार्लैंड के बारे में मत भूलना। चलो तुम्हारा रग यहाँ रखते हैं। इसे यही होना चाहिए। लैंड लेडी ने हमें बोला है कि कमरा साफ होना चाहिए। उसके साथ बहस ना करना ही बेहतर है। और हम गंदगी का काम कार्डबोर्ड के वैक्यूम क्लीनर पर छोड़ देंगे। सफाई थका देने वाली होती है, और ये सुंदर भी नहीं है। ले ले, एक वैनिटी टेबल, हमें यही चाहिए। इसे यहाँ रखेंगे। लेकिन हमारे पास तो शीशा भी नहीं है। परेशान मत हो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम कुछ लाइट्स भी लगाएंगे। ये शानदार है जेन, देखो मैं क्या लाई हूँ। अब ये सब हमारा है। लड़कियाँ हर चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने बालों को ब्रश करो लिली, और तुम बिल्कुल बदल जाओगी। पता चला कि कार्डबोर्ड से बनी कॉम्ब कमाल का काम करती है। चलो कार्डबोर्ड पाउडर को लगा कर देखें। बेड साइड टेबल बनाने का वक्त आ गया है। ये तो बहुत आसान होगा। चलो इस तरह से दो टुकड़ों को जोड़े और एक गोल टेबल टॉप चिपका देंगे। अब हम इसे सजा सकते हैं। टेबल टॉप के किनारों को टेप से कवर करें। चलो यहाँ एक नाइट लाइट लगाएं, और अलार्म क्लॉक के लिए भी जगह है। जेन, हम इस हैंगर पर कपड़े लटकाएंगे। क्या तुम्हें ये पसंद आया? बेशक लिली, ये कमरा असली प्रिंसेस के लिए है। हमें एक कुर्सी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक रहेगा।
चलो थोड़ा सा कार्डबोर्ड का ग्लैमर जोड़ें। हमारा मार्केट कहाँ है? कुछ अलग सोचो। ये कुर्सी कितनी कंफर्टेबल है, मैं उतना भी नहीं चाहती। ओह, मैं भूल ही गई थी, एक एंड टेबल। ये यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। और ये हरा दोस्त एक बड़े गमले में रह सकता है। और आखिरी काम, फूलों का एक वास और एक लैंप। अब हमारा काम पूरा हुआ, जेन आराम कर सकती है। कार्डबोर्ड के कमरे में पहली रात बहुत अच्छी रही। काश मैं ज्यादा देर तक सो पाती। ओह, ये अलार्म क्लॉक्स, वो हमेशा आपको सबसे मजेदार पल पर जगाती है। गुड मॉर्निंग लिली, मैंने पहले ही कार्डबोर्ड का नाश्ता बना लिया है। शुक्रिया बेस्टी, तुम जरूर कमाल की शेफ हो। वैसे ये रहे हमारे स्लिपर्स, उन्हें पहनकर देखो, तुम्हें ये पसंद आएंगी। और अब सुबह की एक्सरसाइज का वक्त है। एक बच्चा भी कार्डबोर्ड से बना डंबल उठा सकता है, लेकिन जेन कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनती, वो एक चैंपियन है। लिली, तुम भी ये कर सकती हो, ये लो। ओप्स, मैंने थोड़ा गलत हिसाब लगा लिया। चलो यही नहीं रुकते और सजाते हैं। ये गार्लैंड्स कितने सुंदर हैं। जेन, हमें एक टीवी चाहिए। और मैंने सब कुछ संभाल लिया है। पता नहीं कि क्या ये कार्डबोर्ड से बनी चीज काम करती भी होगी। बेशक ये करती है। रिमोट पर लगे बटन को दबाओ और अपनी फेवरेट फिल्म के मजे लो। लिली, ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर आप कार्डबोर्ड प्रिंगल्स खाएंगे तो फिल्म और भी मजेदार हो जाएगी। वाओ, ये कितनी दिलचस्प है। बस एक बुरी बात है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म थी। चलो अब जगह बदलती है बेस्टी, मुझे ये पेपर मास्टरपीस देखना होगा। ये अच्छा नहीं है, इस फोन को कार्डबोर्ड स्टाइल की जरूरत है। हो गया, अब आप एक जरूरी कॉल कर सकते हैं। हेलो, क्या स्टाइलिस्ट से बात हो रही है? हम एक कार्डबोर्ड फोटोशूट करवाना चाहते हैं। मैं यही हूँ लेडीज, किसने फोन किया था? वो हो, सर्विस कमाल की है, कार्डबोर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हमें यही चाहिए, एक असली प्रोफेशनल कुछ भी कर सकती है। थोड़ी सी काटपीट और कार्डबोर्ड हेयर स्टाइल तैयार है। लिली को कोई पहचान नहीं सकता। अब जेन की बारी है, कार्डबोर्ड मैजिक होने वाला है। ओह नहीं, फ्रिजी बाल नहीं। घबराओ मत, हम इसे ठीक कर देंगे। अब बेहतर है, कर्ल हमेशा ट्रेंडी होते हैं। और अब सबसे अच्छा पार्ट, चलो हमारी कुट्योर कार्डबोर्ड आउटफिट्स को पहन कर देखें। फोटोशूट के लिए तैयार हो, बोलो चीज। ये ट्रिप बस बेहतर और बेहतर होती जा रही है, और वो इसे हमेशा याद रखेंगी। अब एक ब्रेक का वक्त है, आज लंच में क्या है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि जेन को एक टेस्टी कार्डबोर्ड रेसिपी मिल जाए। आओ एक बार देखें बेस्टी, ये हमारा किचन है। ये अच्छा लग रहा है, परेशान मत हो लिली, हम डिनर में पिज्जा खाएंगे। डो तैयार है, तुम्हें बस इसे बेलना होगा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुमने कर दिखाया लिली, ये एकदम सही है। अब टॉपिंग्स को काटो, मैं बेस तैयार करती हूँ। सॉसेज, मशरूम्स और चीज, सब कुछ डो पर रख दो और ऊपर से चीज घिसकर डालो। इससे पहले कि जेन देख ले, आप सॉसेज का एक छोटा सा टुकड़ा चुरा सकते हैं। लिली, हमारे पिज्जा को खराब मत करो। चलो इसे अवन में डालते हैं। हाँ, ये बहुत गर्म है, जैसा हमें चाहिए। लगता है कि पिज्जा की खुशबू ने एक गेस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वो क्या कर रही है? ये तैयार है लिली। और हमारा मनपसंद कोको अभी आ रहा है लिली। देखो हमारे पास सब कुछ है। ये लो बेस्टी, हम एक बढ़िया डिनर करने वाले हैं। स्वादिष्ट। मेहमान यहाँ कभी भी आ सकते हैं। बैठ जाओ और इसके मजे लो। शुक्रिया लड़कियों। ओह, यहाँ क्रोसोंट्स भी हैं। ये शानदार है। वो एक टेस्टी डिनर था, लेकिन कमरे के लिए पैसे देने या यहाँ से बाहर निकलने का समय आ गया है। क्या हमने तुमको अपने पैसे दिए थे? ओह समझ गई, होटल की मालकिन उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। चलो उसे सबक सिखाएं।
हम अभी वापस आते हैं, जरा अपने पैसे ले आए। लड़कियों ने यहाँ बढ़िया काम किया। इस कमरे के लिए तो ढेर सारे पैसे लेने होंगे। जेन, आराम से, कोई भी हमारी कस्टम चेयर नहीं ले सकता, मैं वादा करती हूँ। कभी कभार फर्नीचर को बर्बाद करना कितना अच्छा लगता है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं लड़की। यहाँ सब कुछ कार्डबोर्ड का बना है। बेडरूम कितना आरामदायक लग रहा है। यहाँ एक ड्रेसिंग टेबल है और एक लिविंग रूम भी। ये बहुत प्यारा है। मुझे बस इस कुर्सी को आजमाना होगा। मैं इस पर बैठ कर देखती हूँ। उप्स, कार्डबोर्ड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़कियों ने उसे बेवकूफ बना दिया। बाय बाय घोटाले बास। हमारा निकलना ही बेहतर होगा। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? क्या आप हमारे कार्डबोर्ड रूम में रहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और बेल को क्लिक करें ताकि आप टूम वाओ पर नई कार्डबोर्ड वीडियोस देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं।